हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में सैमसंग का 1 kg वाला बड्स है। और गाइज, आपने भी कभी ना कभी अपने बड्स तो यूज़ किया होगा, या फिर आपके बड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा, लाइक बैटरी ड्रेनिंग इशू या फिर चार्जिंग का प्रॉब्लम। तो गाइज, अगर आपको भी अपने बड्स को रिपेयर करना है तो गाइज आप बिल्कुल सही जगह पर आए। तो गाइज, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि आप अपने बड्स को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि जो मेरे पास ये जो बड्स है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका जो है चार्जिंग इशू है एंड जो बैटरी ड्रेन हो जाती है, तो गाइज टोटली डेड हो चुका है। तो गाइज इसको भी हम रिपेयर करेंगे। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको रिपेयर करने के लिए हम नाइफ से इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद इसके बाद हम सबसे पहले इसकी बैटरी टेस्ट करेंगे कि बैटरी में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस जो है बैटरी में वोल्टेज चेक करने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीमीटर से टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी जो है 0.15 समथिंग आ रहा है। तो बैटरी का जो है प्रॉब्लम है इसके अंदर, बैटरी जो है इसकी ख़राब है। तो गाइस यहाँ पे जो मेरे पास नई बैटरी है, मैं इसके अंदर नई बैटरी डालता हूँ, नई बैटरी से इसको मैं रिप्लेस करता हूँ। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, अगर आपको ये बैटरी चाहिए होगी तो बैटरी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से आप बैटरी ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है नई बैटरी को अगर मैं टेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो नई बैटरी का वोल्टेज 3.7 दिखा रहा है, जो कि हमारा बैटरी परफेक्टली ओके है। तो यहाँ पे गाइस जो हम बैटरी को नई बैटरी को हम फिट करेंगे हमारे बड्स में, तो फिट करने के लिए यहाँ पे मैं सोल्डिंग मशीन से जो है सोल्ड कर देता हूँ। तो गाइस फिटिंग करने के लिए यहाँ पे जो है प्लस को प्लस और माइनस को माइनस में ही आपको करना है। अगर आप उल्टा करेंगे तो आपको एयरबड डैमेज हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे जो है बैटरी सोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ, और टेप लगा के मैं इसको फटाफट फिटिंग कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बड्स में लाइट आ रहा है, मतलब हमारा बड्स ओके हो गया है। तो गाइस अब हम इसको फिटिंग करके जो है इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। सो गाइस अब हम दूसरे एयरपोर्ट को रिपेयर करते हैं, जो कि सेम प्रॉब्लम इसमें भी है। तो गाइस इसको हम फटाफट ओपन करते हैं, और उसके बाद जिस तरह से हमने इसको बैटरी पहले वाले एयरपोर्ट में लगाया, उसी तरह से इसके अंदर भी हम नई बैटरी लगाते हैं। तो गाइस इसमें भी प्लस को प्लस और माइनस को माइनस देख के लगाना है। तो यहाँ पर गाइस जो इसको हम फिटिंग कर देते हैं, लगाने के बाद बॉक्स में डाल के देखते हैं कि हमारा जो दोनों बड्स चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा बड्स जो है प्रॉपर तरीके से चार्ज हो रहा है, रेड लाइट आ रहा है। और गाइस यहाँ पर जो निकालने पर ब्लू रेड दोनों जल रहा है, तो मतलब हमारा गाइस जो है बड्स ओके हो गया है। तो गाइस आप भी अपने एयरबड्स को बिल्कुल इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, आप भी उसकी बैटरी को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।